वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आईएएस अग्रवाल न्यू एडिशन के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एमसीक्यू क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 इज गिवन दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1760 एंड बेस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर पूछी है, दैट मीन्स क्या पूछा है आपसे, हाइट पूछा है, रेडियस गिवन है। ठीक है, सिलेंडर की तो बेस हो चाहे टॉप हो, एक ही होती है हाइट आपकी। एंड कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया इट मींस 2 पाई आरएच की वैल्यू कितनी दे दिया आपको 1760। तो 2 पाई आरएच किसके इक्वल दे दिया 1760। तो यहां से आपको हाइट भी हाइट मालूम करनी है, रेडियस आपको गिवन है। सो गाइस, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर है, हाइट मालूम करनी है। एंड ये हाइट को एच यहां पर लिख लेते हैं एंड 1760। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं, हाइट कैलकुलेट हो जाएगी 14 and 88 into h equals to 1760. So h equals to 1760 divided by 88. अब आप जानते हैं अच्छे से 88 2 से कितना होता है, 8 to 16 176, that means ये कितने times cut हो जाएगा, इससे 20 times cut हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। सो विच वन इज द राइट ऑप्शन, जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सो इजी। सो समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 52 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है आपका, द रेशियो ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया टू द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस 80 सेंटीमीटर एंड हाई 20 सेंटीमीटर इज, क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ टोटल सर्फेस एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, सिलेंडर का। ठीक है, तो टोटल सर्फेस एरिया एंड लेटरल सर्फेस एरिया, लेटरल सर्फेस एरिया या कर्व सर्फेस एरिया किस क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही होता है ना आपका। रेडियस आपको 80 सेंटीमीटर दी है एंड हाइट आपको कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। ये दोनों चीजें आपको मालूम है। नाउ रेशियो कैलकुलेट करना है, तो चलिए यानी कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर अपॉन 2 पाई आर एच कैलकुलेट करना है, ये रेशियो कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, राइट। नाउ एच प्लस आर अपॉन एच रह जाएगा, ठीक है, तो h प्लस आर इट मीन्स 80 प्लस 20 अपॉन 80, राइट। तो 100 अपॉन 80, राइट। तो यहां से आपको क्या आ गया, 100 h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 20 है, सॉरी। ठीक है, तो यहां से आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी है भाई, 20 है, राइट। नाउ सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल, नाउ यहां से 2 5 2 2 5 10, राइट। तो यहाँ से 5:1 आ गया, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो सिंपल। सो इस तरीके से गाइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, 5:1 के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे अभी आपको स्टेटमेंट वाइज मैं दिखा देती हूँ, देन आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन विद स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया, यही मैंने आपको फॉर्मुला बताया, ये वैल्यू पुट की, तो एच प्लस आर अपॉन एच आ गया एंड यहाँ से रेशियो 5:1 आ गया, ठीक है ना, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इट मींस सिलेंड्रिकल की है तो 2 पाई आर एच, ठीक है। सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया हो ना, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कीजिए। 264 वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, चलिए 924 मीटर क्यूब, ठीक है। हाइट ऑफ द पिलर कैलकुलेट करनी है, राइट। तो सबसे पहले हमें हाइट ऑफ द पिलर कैलकुलेट करनी है, बट गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें एच तो मालूम है ही नहीं, ये तो कैलकुलेट करनी है, बट हमें रेडियस भी मालूम नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम दोनों फॉर्मूले से किसी को भी सॉल्व करें, दोनों ही फॉर्मूले में आर एच आपकी आती है, तो हमें एक वैल्यू तो फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कैसे हम कोई भी एक डायमेंशन फाइंड आउट करें, अगर यहाँ से देखिए, अगर हम डिवाइड कर दे दोनों को, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दे, सो पाई से पाई कैंसिल,
एच से एच कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो एक आर रह जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हम देखेंगे ये सारी यूनिट कैंसिल हो गई, तो आर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स 2 अपॉन आर इक्वल्स टू 264 अपॉन 924, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर इंटू 264 इक्वल्स टू 2 इंटू 924, तो गाइज आर इक्वल्स टू 924 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 264, यही है ना आपकी यूनिट्स. ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं, 2 वन जर 2, 2 थ्री जर 6, 2 टू जर 4, एंड अब 132 से हम इसको डिवाइड करेंगे. 132 से कितने टाइम्स डिवाइड हो सकता है, अब 2 के टेबल में देखिए 4 कितने, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में 4 है, तो 4 कौन कौन से डिजिट में आता है लास्ट में, 2 टू जर 4 आता है एंड 2 सेवन जर 14 आता है. ठीक है, 2 सेवन जर 14 एंड 2 टू जर 4, तो यानी कि अगर हम 132 के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू जर 4, 2 थ्री जर 6, 2 टू वन जर 2, चलिए ये तो नहीं हो पाएगा. नाउ अब हम 132 की किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से, 7 टू जर 14, 7 थ्री जर 21 एंड 1 2 एंड 7 1 जर 7 एंड 2 9, राइट. तो यहां से 132 से ये कितने टाइम्स कट हो गए, 7 से, इट मींस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर. ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले में, इसमें या इसमें, किसी में आर की वैल्यू पुट कर दीजिए. ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एच इक्वल्स टू 264, 7 से 7 कैंसिल, एच इक्वल्स टू 264 अपॉन 44. राइट, नाउ यहाँ से अगेन सॉल्व करेंगे, 11 फोर जा 44, 11 टू जा 22, 11 फोर जा 44, 4 6 जा 24, दैट मींस एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 मीटर आ गई. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इनको डिवाइड कर दिया, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, देन किसी भी फॉर्मूले में इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, एक ही बात है, यही सेम आंसर आएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये गिवन है, हमने भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 2 पाई आर में वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, सो हाइट ऑफ द पिलर कितनी हो गई हमारी, 6 सेंटीमीटर हो गई. ठीक है ना, समझ आ गया, आप देख सकते हैं इसको, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से. ठीक है, देन आप क्वेश्चन को अपने पास राइट डाउन कर सकते हैं. राइट, स्टेटमेंट वाइज आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो रही होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 54, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि आर अपॉन एच किसका, सिलेंडर का, किसके इक्वल है, 2:3, आर रेशियो एच किसके इक्वल है, 2:3 के इक्वल है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट मींस पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल दे दिया, 1617 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, क्योंकि सिलेंडर की बात चल रही है तो वॉल्यूम सिलेंडर का ही है. नाउ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इट मींस 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कैलकुलेट करना है कि कितना होगा. राइट, नाउ आर रेशियो एच की वैल्यू दे दी कितनी, 2:3. तो गाइस यहाँ पर हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हमें कैलकुलेट, मतलब ये हमें क्या करना है, 2 पाई आर एच सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. अब क्या करेंगे, हमें रेशियो दे दिया इस फॉर्म में, तो कभी भी इस तरीके से रेशियो दिया हो ना, तो हम उस यूनिट को क्या मान लेते हैं, 2x और 3x के इक्वल मान लेते हैं, जिससे कि इजीली हम फाइंड आउट कर सके. ठीक है, तो हम मान लेते हैं r इक्वल्स टू 2x एंड h इक्वल्स टू 3x. राइट, तो यहाँ पर इस जो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आर और एच की और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्टली. तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच में पुट कर रहे हैं गाइस, ध्यान से देखना, आर की वैल्यू 2x इंटू 2x, ठीक है, बिकॉज आर स्क्वायर है, एंड एच की वैल्यू 3x, चलिए किसके इक्वल है ये, 1617 के. ओके, नाउ सॉल्व कीजिए, आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, 2 2 4 एंड 4 की अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 88 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 7 इक्वल्स टू 1617. राइट, नाउ आगे गाइज, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1617 अपॉन, यहाँ पे क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटू 7 अपॉन 88 इंटू 3. राइट, नाउ सॉल्व करेंगे गाइज, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15 कितना रहता है, 11, 3 3 9 27, तो 3 9 27. राइट, तो यहाँ से क्या आ गया, 539 इंटू 7 अपॉन 88. ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 88 को 2 इंटू 2 टू 4 टू 8 इंटू 11. ठीक है,
तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या? 11 से डिवाइड हो जाएगा आपका, 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 11 फोर जा हमारा कितना होता है, 44 होता है। नाउ 6 और 3 9 यानी कि 99, तो 11 9 से कितना हो गया हमारा गाइस, यहाँ से 49 हो गया। ठीक है, यहाँ फर्दर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्रॉस। नाउ एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया, 49, यानी कि हम इसको अगेन फैक्टर करते हैं 7 इंटू 7 49 को, एंड इंटू 7 एज इट इज रखेंगे ये वाला, अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो x किसके इक्वल होता है, क्यूब रूट उधर चला जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 7 अपॉन 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, x की 7 अपॉन 2 आ गई। ठीक है, तो आपने रेडियस आपने क्या मानी थी, यहाँ पर रेडियस मानी थी 2x, दैट मींस 2 इंटू 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी मानी थी, 3x, रेशो में कितनी थी 3x, 3 इंटू 7 अपॉन 2, दैट मींस 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो r और h की वैल्यू आपको मालूम हो गई। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, इट मींस 2 पाई r इंटू r प्लस h कैलकुलेट करना है। जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू आर की वैल्यू 7 प्लस 21 अपॉन 2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू एलसीएम ले लेंगे 2, 7 टू 14 प्लस 21। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं आगे फर्दर इसको, राइट इतना समझ आ रहा है ना गाइस आपको क्लियर? पूरा स्टेटमेंट वाइज आप यहां से देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको ये पूरा क्लियर गिवन है। ठीक है ना, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, 44 इंटू सम कीजिए 35 डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, right? Now multiply कर दीजिए 35 into 22 की, 35 2s are कितना होता है, 70 होता है, carry 7, 35 2s are 70 and plus 7 कितना हो गया, 77 centimeter square, right? तो हमने क्या किया अभी तक guys, सबसे पहले हमें volume of cylinder मालूम था, radius हमने मानी 2x and 3x because ratio में given थी। ठीक है, तो यहाँ से हमने first of all x की value calculate की है, जो आपने यहाँ पर देखी है मेरी पूरी solution के साथ, right? तो रेडियस आपकी इतनी आ गई, हाइट आपकी इतनी आ गई, हमने ये 2x और 3x में x की वैल्यू पुट कर दी, तो r और h की वैल्यू आ गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर ये शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पुट की तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, यही आपको कैलकुलेट करना था, मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ भी करके दिखा दिया, एंड यहाँ पर आप स्टेटमेंट के साथ सब कुछ देख सकते हैं। समझ आया ना, वीडियो लाइक नहीं किया ना जल्दी से लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए गाइस ये समझ आ रहा है, राइट? तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, द रेडी ऑफ द टू सिलेंडर, तो दो सिलेंडर है, कभी भी क्वेश्चन है मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि इनका स्टेटमेंट वाइज सॉल्व कीजिए। दो सिलेंडर है जिनकी रेडियस अलग अलग होगी, r1:r2 कितनी है, 2:3 है। हाइट h1:h2 कितनी दे दी, 5:3 दे दी। तो वॉल्यूम में रेशो पूछा है, वॉल्यूम यानी कि v1/v2 पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस यूनिट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंड हाइट को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो r1:r2 2x और 3x हो गया, एंड h1:h2 यानी कि h1 की वैल्यू 5x और h2 की वैल्यू 3y हो गई, सॉरी y में मानी क्योंकि हमने। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर वन स्क्वायर एच वन अपॉन पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच टू, राइट? तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर वन की वैल्यू कितनी है आपकी 2x है, तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एच वन की वैल्यू कितनी है आपकी 5y है, अपॉन r2 की वैल्यू कितनी है 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h2 की वैल्यू कितनी है 3y है, राइट? तो ओपन कीजिए 2×4x स्क्वायर इंटू 5y अपॉन 3×3 9 एक्स स्क्वायर इंटू 3y, राइट? तो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y से y कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, नो 3 एज इट इज आएगा। ठीक है, नाउ 5×4 20 एंड 9×3 27, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, दैट मींस दिस इज अ रेशियो v1/v2 20:7 27 के इक्वल है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंसेप्ट क्लियर है ना गाइस? इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55।
5 का सॉल्यूशन. नाउ यहां से आप स्टेटमेंट वाइज देख सकते हैं रेडियस ऑफ टू सिलेंडर 2x3x एंड हाइट 5y 3y, जैसे हमने ये सब मानी है एंड यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी एंड आपने कैलकुलेशन कैलकुलेट कर ली. ठीक है, कंसेप्ट समझ आ रहा है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 56, चलिए ठीक है इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको. क्वेश्चन नंबर 56, टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2. तो रेशियो ऑफ द रेडियो पूछे, टू सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है दो सर्कुलर सिलेंडर हैं आपके, वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है आपको दे दिया v1 = v2 है, हाइट दे दी h1 = h2 दे दी आपको 1:2. दैट मीन्स आप मान लीजिए h1 = 1x एंड h2 = 2x. तो रेशियो ऑफ रेडियस पूछिए, r1 = r2 पूछा है आपसे. ठीक है, सो बहुत इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग. v1 / v2 किसके इक्वल होता है, पाई r1 square h1 / pi r2 square h2. v1 और v2 इक्वल है, ठीक है तो यहाँ पर हम गाइज इसको v1 / v2 यानी कि हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा v1 / v1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, पाई से पाई कैंसिल, r1 square / r2 square आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको नहीं मालूम. h1 की वैल्यू 1x एंड h2 की वैल्यू 2x, राइट. नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं 1/1 = r1 square / 2r2 square. ठीक है, नाउ बिकॉज आपको r1 / r2 कैलकुलेट करना है, ठीक है तो यहाँ से क्या होगा 1/1, तो 2 उधर चला जाएगा, 2/1 = r1 square / r2 square. ठीक है, नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है दोनों साइड तो इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/1 = r1 / r2. इट मीन्स वी कैन से r1 = r2 √2:1. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यहाँ से स्टेटमेंट वाइज भी देख सकते हैं हम लोगों को वॉल्यूम क्योंकि इक्वल है, मैंने यहाँ पे आपका इस फॉर्म में लिखा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंड इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. दोनों ही मेथड है, दोनों ही राइट है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. समझ आए ना. वीडियो लाइक नहीं किया अभी भी तो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 57 इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 5 सेंटीमीटर. एक कॉन है, ठीक है, जिसका बेस कितना है 5 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है. तो बहुत इजी है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होता है, फॉर्मूला सबसे पहले तो फॉर्मूला ही मालूम होना चाहिए, पाई आर एल होता है हमारा. ठीक है, एल हमें मालूम नहीं है बिकॉज हमें एच की वैल्यू मालूम है और आर की वैल्यू मालूम है. तो एल का एक फॉर्मूला होता है, एल किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. कोन के लिए ये होता है एंड फर्स्ट टाइम ऑफ कोन के लिए अलग होता है, जिसमें कैपिटल आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट होता है. ठीक है, सो यहाँ पे बिकॉज कोन की बात है तो हम इसके बारे में बात करेंगे. एल कैलकुलेट कर लीजिए, रेडियस 5 का स्क्वायर प्लस हाइट 12 का स्क्वायर, तो कैलकुलेट करेंगे 25 + 144. सो यहां से गाइस ऐड कीजिए 9 2 4 6 1, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का. ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर. नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल, तो पाई एज इट इज रख लीजिए बिकॉज आपको पाई की फॉर्म में ही आंसर दिया है. ठीक है, नहीं तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देते 22/7. आर की वैल्यू कितनी है 5 है, एल की वैल्यू कितनी आई है 13 आई है, तो 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो इजी, सभी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इजी है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ मूव करते हैं. द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन, एक अगेन कॉन के बारे में क्वेश्चन आया है. चलिए अब क्या दिया है, गिवन पूरा डायमीटर गिवन है. ठीक है, d = 42 गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा इसका. वॉल्यूम भी गिवन है कौन का 12936 सेंटीमीटर क्यूब. हाइट पूछी है,
राइट, तो हाइट पूछिए, हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए आप लोग, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो छोटा है ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू 1296 इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर तो 21 इंटू 21 हो जाएगा। हाइट एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल कर सकते हैं गाइस इजीली आप लोग। नाउ चलिए एक सॉल्व करके दिखा देते हैं। 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल। नाउ 1296 डिवाइडेड बाय 22 रेशियो में आ जाएगा इंटू 21 इक्वल्स टू h, ठीक है। अब आगे डिवाइड कर लेते हैं इसको, 11 2 जा 22, राइट, 11 1 जा 11, नाउ कितना बचता है 19, ठीक है। तो अगेन 11 1 जा 11, तो कितना रहता है 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया 83, राइट। नाउ 11 7 जा 77, तो कितना रहता है 6 6 6, तो 11 6 जा 66। नाउ आगे इसे डिवाइड करते हैं 20, यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा, चलिए ये कुछ नहीं है आपका, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, राइट। नाउ 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, या 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, एंड 28, 7 4 जा 28, राइट। नाउ 3 2 जा 6, एंड 3 8 जा 24, सो एच की 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24, सो एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 28 सेंटीमीटर। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो इस तरीके से गाइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हाइट ऑफ द कॉन 28 सेंटीमीटर, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया है, एंड ये जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चाहिए सभी स्टूडेंट्स, सभी कमेंट आता है कि मैम पीडीएफ या विद स्टेटमेंट, तो ये सभी आपको इसीलिए प्रोवाइड किए गए हैं कि आप सॉल्यूशन कैसे करना है, वो कंसेप्ट आपको यहाँ समझाया जा रहा है, एंड साइड बाई साइड आपको पीडीएफ की जो आपको स्टेटमेंट है विद स्टेटमेंट भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए तो हाइट आपको इतनी दी है। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कौन कौन की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली कौन का ही पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो गाइज सबसे पहले हम एक कोन बना लेते हैं, चलिए बेस का जो एरिया है, ये जो बेस है इसका एरिया, तो बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बेस का जो एरिया है वो किसके इक्वल दिया है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर की। हाइट कितनी गिवन है आपको, एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर एल के वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आपको ना तो आर मालूम है ना ही एल मालूम है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट कैलकुलेट कर सकते हैं आप, यहां से आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 इंटू 7/22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 7 जा 14, तो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7, दैट मीन 7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। नाउ अब आपको आर मालूम है, एच मालूम है, आपको चाहिए क्या, एल चाहिए, आर तो मालूम हो गई, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला, स्लैंट हाइट, एल का फॉर्मूला लगा दीजिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स एच की वैल्यू 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, राइट। 14 का स्क्वायर 196 होता है आपका, एंड एच 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 245, एंड इसका स्क्वायर रूट करेंगे 7 7 49 5 245, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 7 रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल भी आ गई आपकी। नाउ कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, पाई आर एल में वैल्यू पुट करेंगे, 22/7 × 7 रेडियस आ गई, एंड एल की वैल्यू 7 रूट 5 आ गई, तो आंसर आ जाएगा 154 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट 5, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 के 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 × √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। सो गाइस इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन गिवन हो सभी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, सभी फ्रेंड्स को फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इज गिवन दैट ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए कॉन बाय 20%
इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। तो आपसे क्या कहा गया है कि इंक्रीजिंग ईच, यानी कि रेडियस और बेस, रेडियस ऑफ द बेस और हाइट कौन की, दोनों इंक्रीज कर दिए 20%। इफ अगर रेडियस आपकी आर है एंड हाइट आपकी गाइस एच है, तो दोनों को क्या किया है 20% इंक्रीज कर दिया। लेट सपोज आर को भी हमने क्या कर दिया 20% इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब जो रेडियस आएगी न्यू वाली वो ओरिजिनल आर प्लस जो आर है इसका 20%, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 25 is 100, दैट मीन्स आर प्लस आर अपॉन 5, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आर अपॉन 5, राइट। तो जो न्यू रेडियस होगी हमारी, न्यू रेडियस किसके इक्वल होगी आपकी 6 आर अपॉन 5 के इक्वल होगी। सेम हाइट भी एच प्लस एच का 20%, बिकॉज न्यू रेडियस हमें क्या कहता है, न्यू रेडियस न्यू हाइट, ठीक है, न्यू हाइट हमें क्या कहता है, जो हाइट है वो पहले से 20% इंक्रीज हो गई, यानी कि एच तो है ही प्लस उसमें एच का 20% और इंक्रीज हो गया। तो 25 is 100, दैट मीन्स एच प्लस एच अपॉन 5, इट मीन्स एलसीएम लेंगे 5h + 1, यानी कि 6h / 5। तो न्यू हाइट एंड न्यू रेडियस कितने हो गए, 6r / 5 और 6h / 5 हो गए। इतना कंसेप्ट क्लियर है। वॉल्यूम पूछा है कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो न्यू वॉल्यूम, ठीक है, न्यू वॉल्यूम ऑफ कौन किसके इक्वल हो जाएगा, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h, राइट गाइज। नाउ अब आप यहाँ से स्टेटमेंट वाइज भी देख सकते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एंड देन परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका न्यू इंक्रीज वॉल्यूम आएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम वो रखेंगे हम लोग, ठीक है। न्यू वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कॉर्न का फॉर्मूला, ठीक है, ये तो वॉल्यूम ऑफ द कॉर्न का फॉर्मूला हो गया, जिसे कहते हैं हम ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, इसे हम ओरिजिनल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। नाउ न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, न्यू वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 1/3 πr² की वैल्यू कितनी है गाइज आपकी, 6r / 5 आर की वैल्यू, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6h / 5, दिस इज द न्यू वॉल्यूम, दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। जब भी कभी इस कंडीशन में आए तो आप यहाँ पे आप इसे क्या लिखिए, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना। नाउ 1/3 πr × 6 कितना हो जाएगा, 36r² / 5 5 = 25 × 6h / 5। नाउ सॉल्व कीजिए, 1/3 πr² h इंटू, ये आपके नई डिजिट नजर आ रही है, 36/25 × 6/5, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया आपका। नाउ 36 में मल्टीप्लाई करेंगे 216, 25 के 5 है 25 5 = 125 × 1/3 πr² h। तो न्यू वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, 216 डिवाइडेड बाय 125, 1/3 πr². तो इसे हम ओरिजिनल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना। अब आपसे क्या पूछा, परसेंटेज पूछा है, जो इंक्रीज परसेंटेज है वो कितना होगा, देख लीजिए क्वेश्चन अगेन फिर से। वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय, कितना इंक्रीज होगा, तो यानी कि हमें इंक्रीज्ड वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इससे पहले भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन गाइस सॉल्व किया था, इंक्रीज्ड वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम का मतलब आपका क्या होता है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम का मतलब न्यू वॉल्यूम, ठीक है, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, जो पुराना वॉल्यूम था, तभी तो आप बताओगे कि कितना इंक्रीज हुआ है, जो न्यू इंक्रीज हुआ है। मान लिया आपने कहा कि पहले आपकी सैलरी, पहले आपको पर डे 100 rupees मिलते थे, बट अब कितने मिल रहे हैं, 150 मिल रहे हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कितना इंक्रीज हुआ है, 150 में से 100 माइनस करोगे तभी तो पता चलेगा ना 50 rupees इंक्रीज हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू वॉल्यूम कितना आया आपका, 216/125 × 1/3 πr² h −1/3 πr² h, ठीक है ना। तो 1/3 πr² h तो आप एज इट इज कॉमन ले लीजिए। नाउ 216/125 − 1, ठीक है। अब 125 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 216 में से 125 माइनस करेंगे तो गाइस क्या आएगा आपका, 91/125, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 91/125 × इसे लिख सकते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, वन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, इंक्रीज्ड वॉल्यूम 91/125 × आपका ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है,
परसेंटेज इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज वॉल्यूम, तो हमारा जो न्यू इंक्रीज वॉल्यूम आया वो ऊपर आएगा एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम रख देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा आपका। तो ओरिजिनल वॉल्यूम से ओरिजिनल वॉल्यूम कैंसिल, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 91, ये देख सकते हैं 91 अपॉन 125 इंटू 100 रह जाएगा। सॉल्व करेंगे 25 फोर ज़ा 100, 25 फाइव ज़ा 125, तो 91 इंटू 4 अपॉन 20 अपॉन 5 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72.8%, यानी कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, 72.8%, ठीक है ना। नाउ फाइनली मैं आपको इसको विद स्टेटमेंट आपको पूरा शो कर देती हूँ। क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ना, वो आपका बेसिकली कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल वॉल्यूम, देन आपकी रेडियस और हाइट क्या हो गई, न्यू रेडियस और न्यू हाइट। तो न्यू वॉल्यूम आ गया था हमारा 216 अपॉन 125, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और 1/3 पाई आर स्क्वायर को हमने न्यू वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम लिख दिया। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो हुआ था 91 अपॉन 125, माइनस कर दिया न्यू में से ओरिजिनल को। अब परसेंटेज कैलकुलेट किया तो जो आपका इंक्रीज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100, यही फॉर्मूला हम हमेशा अप्लाई करते हुए आए हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। सो आई होप वो सिलेंडर से रिलेटेड था, ये आपको अब समझ आ गया होगा। गाइस समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि किस तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं एंड आगे भी किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। सभी कंसेप्ट को क्लियर कीजिए यहाँ पर, एंड सभी फ्रेंड्स जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो सब मिलते रहेंगे आप लोगों को। उसके लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, CBSE के सभी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे, ओके।